नमस्कार, आपको बता दें, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को उम्र में नहीं मिलेगी छूट। सरकार ने ऐसी मांगों को सिरे से कर दिया है खारिज। दरअसल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में 10% आरक्षण तो दे दिया, लेकिन SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह आरक्षण के साथ उन्हें आयु सीमा और फीस में छूट देने से इनकार कर दिया। सरकार ने ऐसी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि आयु सीमा में ढील और प्रयासों की संख्या में छूट उन मामलों में एक विशेष व्यवस्था के तहत दी जाती है, जब मांग के मुताबिक पात्र व्यक्ति इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध नहीं हो पाते। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पिछले दिनों संसद को यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में अभी पात्र व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है, ऐसे में EWS को इस तरह की कोई छूट प्रदान नहीं की जा सकती। खास बात क्या है आपको बताते हैं। मंत्रालय ने संसद को यह जानकारी तब दी जब इससे पहले वह इसे लेकर कार्मिक मंत्रालय को एक सिफारिशी पत्र लिख चुका था। पत्र में कहा गया था कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को भी आरक्षण प्राप्त दूसरे वर्गों की तरह आयु सीमा और फीस आदि में छूट प्रदान की जाए। इसके साथ ही संसद में ही कई सदस्यों की ओर से भी इसकी मांग की गई थी। गौरतलब बात यह है कि सरकार ने फरवरी 2019 में संविधान संशोधन के जरिए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया था और तभी से यह छूट देने की मांग भी की जा रही है। मौजूदा समय में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के आधार पर जिन्हें उम्र की छूट है उनमें SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट, और इसी तरह आरक्षण प्राप्त करने वाले इन दोनों ही वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों की फीस और नौकरियों को लेकर किए जाने वाले आवेदन की फीस में भी छूट प्राप्त है। तो इस प्रकार से बड़ी खबर आ रही थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए JKN के साथ।